नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं अपर्णा और डिंपल यादव से। जी हां, अपर्णा और डिंपल यादव की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या डिंपल अपर्णा यादव से हाथ मिला सकती है। दरअसल पूरा जो खेल है वो आजमगढ़ सीट को लेकर है। हालांकि डिंपल यादव ये बात समझ रही हैं कि अखिलेश यादव ने जो फैसला किया है यहां से धर्मेंद्र यादव को उतारने का, वो कुछ सोचकर ही किया होगा। लेकिन डिंपल यादव को ये बात चुभ गई है कि आखिरकार नाम पहले रखा ही क्यों गया, या नाम पहले रखा ही नहीं जाना चाहिए था। अगर नाम रखा गया तो रिस्क तो लेना चाहिए था। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव को अपने परिवार पर भरोसा नहीं है, मुलायम पर भरोसा नहीं रहा, अपर्णा पर भरोसा नहीं रहा, अब तो अपनी पत्नी डिंपल भी पर भरोसा नहीं रहा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अंदर खाने जो है वो डिंपल अखिलेश यादव से नाराज बताई जा रही है। और इसकी जो बड़ी स्थिति बन रही है या इसका जो बड़ा फायदा वो बीजेपी उठा सकती है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के हालात को देखकर अपर्णा यादव डिंपल से हाथ मिला सकती है, डिंपल को बीजेपी की तरफ खींच सकती है। अगर डिंपल को बीजेपी की तरफ खींचती हैं तो शायद इसका बड़ा प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव और डिंपल मिलकर कोई बड़ी रणनीति बना सकते हैं। अगर डिंपल भी बीजेपी में शामिल हो जाती हैं तो क्या अपर्णा और डिंपल मिलकर अखिलेश यादव के खिलाफ जंग छेड़ते नजर आएंगे, सियासी जो है वो लड़ाई वो लड़ते नजर आएंगे। क्योंकि एक और जहां अपर्णा यादव के भी मान सम्मान की बात आ गई थी तो अपर्णा ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, डिंपल के भी मान सम्मान की बात आ गई है, डिंपल यादव का भी मान सम्मान जो है उसको ठेस पहुंचा है। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से डिंपल यादव के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है ना, तो ये बता रहा है मौजूदा समय के हालात सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वाकई कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो सीधे तौर पर ये बता ही रही है कि अपर्णा और डिंपल यादव अगर एकजुट हो जाती हैं, और देखिए जो डिंपल यादव अपर्णा यादव पर निशाना साधती थी वो डिंपल अब अपर्णा के आगे झुकती नजर आ रही है। तो ये देखा जा रहा है कि डिंपल को इस बात का एहसास हो गया है कि अपर्णा जो लड़ाई लड़ रही थी वो सही है और अपर्णा के साथ भी अब उन्हें रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि उन्हें बताना चाहिए कि महिलाएं कम नहीं है। और जिस तरह महिलाओं को कम आंकने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं, और इसका बड़ा खामियाजा इन्हें आगामी समय के चुनावों में उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।